ये पंखा कल देर रात अब्दुल मालिक साबिक मेयर पर आगरा रोड के हिस्से में फायरिंग हुई। मुसलसल पिछले कई हफ्तों से मालेगांव शहर में कई ऐसे वाकयात हुए फायरिंग के, और कल का जो वाकया था वो वाकई बड़ा फिक्रमंद कर देने वाला है इस शहर के सियासी लोगों के लिए भी और आम शहरियान के लिए भी। कि निहाल साहब शब्बीर सेठ हारून अंसारी के वक्त से मालेगांव शहर की सियासत में कभी इस तरह का हमला या इस तरह का मामला नहीं हुआ, और जो रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी बता रही है, पॉलिटिकल कनेक्शन बता रही है। इस वजह से ज़्यादा फिक्र होना हर शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मालेगांव शहर में किस दौर में आ गए। मुसलसल यहाँ ऑटोमेटिक रिवॉल्वर क्रिमिनल लोगों के पास रहती है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है या पुलिस का तरीका कार क्या है कि क्रिमिनल लोग मुसलसल ऑटोमेटिक रिवॉल्वर लेकर घूमते हैं, मैयत में गोली चल जाती है। उसके बाद जो ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते हैं, मगर कल का जो वाकया था उस पर हमने आज अबू आसिम आज़मी साहब से बात की। उन्होंने पूरे मामले को समझने के लिए मैं से शाम तक एक रिपोर्ट मांगी है ताकि वो DGP महाराष्ट्र से मुलाकात कर सके, क्योंकि इस वाक़े को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वाकई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी, मालेगांव शहर के सियासी लोग, मालेगांव शहर के आम लोग, सभी के लिए सोचने का मुकाम है, और पुलिस पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि पुलिस ये सारे मामलात में किस तरह कार्रवाई कर रही है, कि मालेगांव शहर में मुसलसल रिवॉल्वर और हथियार ये कैसे आते हैं। हम पहले देखा करते थे कि इस शहर में एक रिवॉल्वर का मिल जाना एक बड़ी खबर रहती थी कि रिवॉल्वर मिल गई, आज गोली चल जा रही है। और आगरा रोड, ख़ास तौर से आगरा रोड के आस पास को या आगरा रोड के पास ही ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, ये भी एक सोचने का सवाल है कि पीछे भी कई वाकयात आगरा रोड से टच हिस्से में ही होते हैं। तो ये सारी बात पुलिस के लिए वाकई सोच कर और फौरन कार्रवाई करे जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व है और जो भी इसके कनेक्शन है, पुलिस को वहाँ तक जाना चाहिए। सिर्फ सवाल फायरिंग करने वाले का नहीं है, उसके पीछे अगर कुछ लोग हैं तो उन तक भी पुलिस को जाना चाहिए। और मैं ये देखा हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो पत्थर मारने के झूठे इल्ज़ाम में लोग साल भर बंद रहते, मगर मालेगांव शहर में फायरिंग के मामले में लोग दो महीना, डेढ़ महीना, दो महीने में छूट जाते। तो पुलिस जानबूझ के ऐसा करती है कि हल्का केस बनाती है, चार सीट हल्की रखती है, क्योंकि हम ही लोग 12 नवंबर में जब जेल गए उस वक्त भी एक वाकया फायरिंग का हुआ। तो जेल में भी ये बातें होने लगी कि मालेगांव शहर में पुलिस की कार्रवाई पत्थर मारने वालों के ऊपर जो चार सीट बनी वो वाकई बहुत कड़क थी, मगर फायरिंग के मामले में जो कार्रवाई होती वो कहीं ना कहीं लूज है। और तुम देखेंगे पीछे मुसलसल मार धाड़ 307 का मैटर, जहां पॉलिटिकल कनेक्शन आते हैं, वो सारे मामलात में ऐसी कार्रवाई हुई कि पुलिस ने कहीं ना कहीं ढीली चार्जशीट बनाई, ये कई ढीला बनाया और वो लोग छूट गए। मेरी पुलिस से भी यही गुजारिश है कि इस मामले को वो संजीदगी से ले और ऐसी कार्रवाई करे कि आने वाले वक्त में इस तरह का वाकया ना हो। और शहर में जो हथियार हैं, ख़ास तौर से रिवॉल्वर, उसको जो क्रिमिनल लोग हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करके वो सारे रिवॉल्वर जमा करें। मालेगांव शहर में रिवॉल्वर की पॉलिटिक्स और रिवॉल्वर की गुंडागर्दी बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस ताल्लुक से आसिम भाई से हमने बात की है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद भी मुंबई जाएंगे, मगर इस वाक्य को हम और हमारी पार्टी समाजवादी बहुत संजीदगी से ले रही है, और हम कोशिश यही करेंगे कि इस शहर में ये सब बंद होना चाहिए। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है, आम सियासी लीडर का दबदबा रहा है, लेकिन वो दबदबा ख़त्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आम लोगों का या जो क्रिमिनल लोग हैं वो हावी होते जा रहे हैं,
ऐसे वक्त में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर फिक्रमंद होना बिल्कुल वाजिब बात है। आज मेरे साथ मेरा वाकया मैं बोलूँ तो मेरी लड़की कल जब ये सारी बातें होने लगी तो वो सुबह तक सो नहीं पाई कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हर इंसान फिक्रमंद है। हम लोग भी सियासी हैं, ये हर छोटा बड़ा सियासी सामाजिक काम करने वालों के लिए फिक्रमंदी का सवाल है। और समाजवादी पार्टी इस तरह के वाकया की मजम्मत करती है और हम यूनुस ईसा फैमिली के साना बसाना खड़े रहेंगे।